ऐसा क्या होने वाला, ऐसा प्रेमी जिसने फागण के मेले का नजारा नहीं देखा, वो जो हर साल फागण जाता है उससे पूछ रहा है, किसी ने पूछा क्यों जाएं हम, ऐसा क्या होने वाला। जो प्रेमी बार बार आता जाता रहता है खाटू, उसका जवाब, हमने कहा लगता है मेला फागण है आने वाला, लगता है दरबार, लगता है दरबार खुशी लुटाने के लिए, शीश के दानी शाम का दर्शन पाने के लिए, हो जाओ तैयार खाटू जाने के लिए, शीश के दानी शाम का दर्शन पाने के लिए, हो जाओ तैयार। किसको किसको आनंद आ रहा है फागड़ मेले में आके, एक बार दोनों हाथ पूरे पूरे उठाइए, पूरे पूरे हाथ और मिलके जोरदार तालियां एक साथ, एक दो तीन हो जाए। लेकिन हमें ये नहीं पता
कि जो चीज चल रही होती है वो हमारे को मजबूत करने वाली होती है, कि इससे आगे जो समय आने वाला है बेटा वो तेरा, उसके लिए मैं तुझे मजबूत कर रहा हूँ, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा पिता तेरे साथ खड़ा है। किसको किसको ये विश्वास है कि और कोई हो ना हो बाबा है मेरे साथ, जिस जिसको ये विश्वास है उठाओ दोनों हाथ, पूरे पूरे हाथ मिलके एक साथ। सच्चा साथी एक यही है बाकी भूल भुलैया है, सच्चा साथी एक यही है बाकी भूल भुलैया है। अब सागर का केवल केवट मेरा श्याम कन्हैया है, अब सागर का केवल केवट मेरा श्याम कन्हैया है। सच्चा साथी एक यही है बाकी भूल भुलैया है, अब सागर का केवल केवट मेरा श्याम कन्हैया है। मत करना इनका करना इनकार, भवतर जाने के लिए निशानी शाम का दर्शन पाने के लिए, तो जाओ तैयार आंखों जाने के लिए, निशानी शाम का दर्शन पाने के लिए। और जैसे दर्शन मिलेंगे उसके बाद हमारे लखा भैया ने ये गाया है शायद जितना मुझे याद है, जैसे दर्शन मिलेंगे मन से आवाज क्या आएगी, मैं वारी जाऊं हारी जाऊं मेरे शीश के दानी का सारे जग में रंगा बजे, मेरे शीश के दानी का सारे जग में रंगा बजे, बज 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 शीश के दानी का सारे जग में रंगा बजे। ये गारे न्यारे है करका भक्तों की झोली है भरता, ये गारे न्यारे है करका भक्तों की झोली है भरता, इस वीर लसानी का झोली भरने के लिए बाबा ने आज लोगों को बुलाया, जब मौका मिलेगा तब तो भरेंगे। हमारे जैसे लोग पकड़े नहीं भाई, दो में दो, दो में दो, दो में दो, दो में दो, अंत कुछ नहीं है। करना चाहे इंसान पूरी रात निकाल दे लेकिन फिर क्या फायदा, हम कम गाएंगे तभी तो औरों का भी नंबर आएगा, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ अपना ही पेट भरना है। अपने तो बाल वाले भी मेरे शीश के दानी का सारे
तो यही जितने प्रेमी अभी बैठे हैं ना, भैया की तो बात छोड़ दी, ये तो कितने पुराने कितने सीनियर हैं, इनकी नहीं। और वो बच्ची कहाँ गई? हाँ, ये लोग अगले साल क्या कहेंगे पता है? मारा मारा जमाने में फिरता था मैं, इनकी चौखट पे आना गजब हो गया। जब सहारा मिलाना कहीं पर मुझे, इनको उंगली थमाना गजब हो गया। बस इतना तो बोल, तुम तो खुद ही बहुत समझदार हो भैया, इतना गुड़िया है, इसकी तो वीडियोस इतनी वायरल होती रहती है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। इतने आदमी स्वीकार करें, जो बच्चा कुचा होगा वो अगले महीने पूरी होगी। नहीं, बीमारी नहीं है, अगले महीने में पहले ही आप लोगों से क्षमा। भाई साहब अभी अभी सुनो, पहले बात तो सुनो, सुनो गदाधारी भीम, सुनो सुनो। आपकी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? मेरी बीमारी अभी छोड़ दीजिए, इलाज बाद में करवा लूंगी मैं। अगले महीने एकादशी वाले दिन आपके भांजे का जन्मदिन है, उस दिन भी खाटू में ही कोई यहाँ भी मनाएंगे, और भी हाँ यहाँ तो मनाएंगे ही मनाएंगे, यहाँ तो मनाएंगे ही मनाएंगे, और भी एक जगह पे कीर्तन का बाबा ने अगर चाहा तो कुछ होगा। पहला आयोजन यही होगा, दिन में कर लेंगे, ठीक है? अच्छा वो अपन बात कर लेंगे आराम से, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? तो उस दिन भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वहां की व्यवस्था छोड़ के यहाँ जरूर आऊँ, लेकिन अगर नहीं आ पाई तो पहले ही माफी मांग लेती हूँ हाथ जोड़ के। श्री श्याम सखा संस्थान, अरे इतनी देर में भजन हो जाता भाई साहब। आइए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत।